वेलकम बैक दोस्तों। तो एसटी मोबाइल में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमआई का 9 पावर में, जिसमें नो सर्विस आ रहा है। पहले हम सिम लगा देते हैं, एक बार सिम नहीं है ठीक है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें नेटवर्क का समस्या है और नो सर्विस आ रहा है, तो इसको कैसे हम दूर करें इस समस्या का। तो आपको पहले दिखा देते हैं, सबसे पहले हम चले जाएँगे सेटिंग में, और सेटिंग में देख लीजिए हमारा नो सर्विस तो लिख रहा है, आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। इसमें सेटिंग में जाके हमारा सिम लिया है अभी कि नहीं, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे सिम कार्ड में, और यहाँ पे ये एक मिनट हटा देते हैं, ये देख लीजिए एयरटेल का सिम उठा लिया है पर नो सर्विस आ रहा है ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सेल्व करेंगे, चलिए मोबाइल को खोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए मोबाइल खोल चुके हैं, और ये समस्या हमारा देख लीजिए, ये WTRIC है, ये इससे समस्या आता है WTRIC 2925। तो सबसे पहले हमको वो चेंज नहीं करना है, सबसे पहले हमको वायर चेक करना है ऊपर से नीचे तक, और नीचे का जो चार्जिंग फ्लेक्स है वो भी देखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा, तो वो सब चेक करने के बाद ये है WTRIC 2955, इसमें लगता है वो हमको वो समस्या हम चेक कर लिए हैं पहले ही। आपको दिखाते पहले सब चेक कर लेना है, तो हमको सबसे पहले बोर्ड निकाल के इसको हम हॉट गन से निकालेंगे अच्छे से। अब देख लीजिए निकालते हैं, वो सब पहले करने के बाद हमको ये आईसी पे काम करना है ठीक है दोस्तों। पहले वायर देखना है, नीचे का चार्जिंग फ्लेक्स में जो कनेक्शन है वहाँ पे चेक करना है, तब ये काम करना है। देख लीजिए हम आईसी निकाल लिए हैं, और ये हम नया आईसी मंगाए हैं, तो यहाँ पे हम आईसी निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो अरे मॉडल नंबर तो दिखेगा नहीं, पर मॉडल नंबर ये इसका है 9 पावर का 2955। तो इसको हम अच्छे से पहले साफ कर लेंगे, इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद अगर डालेंगे ना तो अच्छे से बैठ जाएगा ठीक है। और ये साफ़ अच्छे से नहीं होता है तो आईसी काम नहीं करता है अच्छे से, बॉल छूट जाता है और उसके बाद काम नहीं करता है। तो इसको हम फटाक से अच्छे से साफ़ कर लिए, अब इसको हम डालेंगे ठीक है। तो यहाँ पे आईसी हम डाल लिए हैं, और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे आईसी है। चलिए अब पैक करके हम चेक करते हैं कि हमारा नेटवर्क आता है या नहीं। समस्या वही रहता है, बस आपको अच्छे से चेक करके तब वो चेंज करना है, बस प्रॉब्लम वही रहता है। तो यहाँ पे हम कनेक्टर लगा लिए, सिम ट्रे लगा देते हैं, ये पहले वायर को लगा दें अच्छे से, और हम यहाँ पर सिम ले लिए एयरटेल का, और उसके बाद हम ला के चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेट ऑन हो रहा है, तब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं, आपको ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये मोबाइल में जो नेटवर्क का समस्या, ये लगाते ही हमारा नेटवर्क नहीं आता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा लोग 2-3 मिनट के बाद, उसके बाद कोई डिसीजन लिया ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क, एक मिनट दिखाते हैं, आ गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एयरटेल आ गया है।